पानीपत के निगम कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किए जाने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगे माने जाने के एक साल बाद भी सरकार व प्रशासन उनकी मांगों को लागू करने में नाकाम रहा है, जिसके चलते वह प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कर्मचारी संघ ने निगम कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन सौंप सरकार से उनकी मांगे जल्द से जल्द लागू की जाने की अपील की है। राज्य कार्यकारिणी के आदेश पर, क्योंकि हमारी लंबित मांगे पड़ी हुई हैं जो 24 मई को समझौता आया था पिछले 2019 में, आज तक तो लागू नहीं हुआ। उस विषय पर हमारे राज्य कार्यकारिणी ने आदेश किया है कि हमें DC और कमिश्नर को ज्ञापन देने थे, DC को दे चुके, आज कमिश्नर को दे रहे हैं। उन मांगों को ये आगे भेजें और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। फायरमैन में कुछ कर्मचारी हमारे जो कि इन्होंने 24 मई तक नहीं रखे हैं, उसको 30 तारीख तक करके उनको भी लिया जाए। और जो हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं जो कि 5-6 साल से काम कर रहे हैं, ये हर बार टेंडर को रिन्यू करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उसको क्यों नहीं कंटिन्यू 1 साल के लिए कर दिया जाए। हमारी ये इस तरह की काफ़ी मांगे हैं कर्मचारियों की, तो पक्का होने की बात है। जिसको 10-10, 12-12 साल हो गए उनको तो पक्का कर देना चाहिए। और सरकार ने ये वादा किया था पहली बार जब बनी थी तो बोला पहली कलम में हम इनको पक्का करेंगे, आज तक वो पक्का करने का तो सवाल ही था। यहाँ कच्चे कर्मचारियों के लिए बार बार टेंडर किए जा रहे हैं, ये इस तरह की काफ़ी मांगे हैं हमारी, 28 मांग है हमारी, हमने मांग पत्र दिए। तो अगर जो मांगे आपकी ना मानी तो आगे क्या आपका हो? हमारी राज्य कार्यकारिणी के आदेश पर हमारे को 8 तारीख का आदेश आया हुआ है, 8 तारीख को हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे। अगर आदेश लंबा हुआ काम छोड़ हड़ताल का, तो हम लंबे समय तक भी हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी वजह से सरकार। निगम कर्मचारियों ने आज ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या आश्वासन दिया गया? ऐसा है, मांगे सारी स्टेट लेवल की हैं और ये स्टेट लेवल का इनका धरना टाइप था, ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। और जो ज्ञापन इन्होंने दिया है माननीय मंत्री महोदय के नाम से, डायरेक्टर जनरल अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाम से, PS UL B के नाम से, वो हम उनको प्रेषित कर देंगे सारी स्टेट लेवल की। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।